रीवा प्रशासन की सख्ती के बावजूद बिचौलिए समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए यूपी बिहार से धान मांग रहे हैं। जिला उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होनी है। इससे पहले ही बिचौलिए के धान की खेप पहुंचने लगी है। आपको बता दें कि त्योथर तहसील के गडरपुआ गांव से प्रशासन ने यूपी की 216 क्विंटल धान जब्त की है, जिसे धान समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति सोनेरी को सुपर्द कर दिया गया है। जांच के दौरान धान से संबंधित कोई पंजनीय और ऋण या किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि जब्त की गई धान की अनुमानित कीमत 4.5 लाख रुपए है। प्रशासन मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिला स्तर पे रीवा में माननीय कलेक्टर महोदय के पास यूपी से अवैध धान आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त अनुसार निर्देश पर यहाँ पे जांच की कार्रवाई की गई, जिसमें एक मणिशंकर पिता अयोध्या प्रसाद केवट और उन्हीं के भाई कृष्ण कुमार पिता अयोध्या प्रसाद केवट के यहाँ क्रमशः 80 बोरी और 460 बोरी धान पाई गई है, जिसके ना कोई पंजीयन प्राप्त हुआ ना कोई धान के कागज प्राप्त हुए। इनके